वो लापरवाही पर खो गए मरीजों के पर्चे, नर्सों ने करा दी मरीजों की परे। बड़ी खबर जिला अस्पताल से आ रही है, यहाँ पर दूसरी बार लापरवाही की वजह से मरीजों के पर्चे खो गए। पर्चे खो जाने के बाद नर्सों ने मरीजों की परेड करवा दी। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह जब डॉक्टर मरीजों को चेक करने आए तो पता चला कि उनके पर्चे ही नहीं हैं। पर्चे नहीं होने के कारण डॉक्टर बिना देखे ही चले गए। वहीं जब मरीजों ने नर्सों से पर्चे मांगे तो बिल्डिंग के ऊपर नीचे चक्कर लगवा कर परेड करवा दी। इस अव्यवस्था से मरीज काफ़ी नाराज दिखे और अस्पताल प्रबंधन को कोसते हुए नजर आए। अस्पताल में भर्ती मरीज ओम प्रकाश ओझा निवासी गणेश कॉलोनी ने बताया कि वो पेट दर्द की शिकायत को लेकर अस्पताल में भर्ती हुआ था। सुबह जब उसका इलाज का पर्चा गुम हो गया, जब उसने पर्चे में मौजूद स्टाफ से पूछताछ की तो बिल्डिंग के ऊपर नीचे लगभग 10 बार से ज्यादा चक्कर कटवा दिए। इस दौरान कुसुम सिंह शुक्रवार की रात बीपी बढ़ने की शिकायत को लेकर अस्पताल आई। जब डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया तो बीपी बढ़ा हुआ था, इस पर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जब सुबह डॉक्टर राउंड पर आए और कुसुम का पर्चा मांगा तो वो नहीं मिला और बिना चेकअप के ही डॉक्टर जाने लगे। जब डॉक्टरों से कुसुम ने बीपी नापने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद कुसुम का बेटा घर से बीपी की मशीन लाया, बीपी चेक किया। वहीं बैरार निवासी राकेश सेन ने जहर खा लिया था, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन पर्चा खो जाने की वजह से उसका उपचार नहीं हो सका, जिसके बाद मरीज काफी नाराज दिखे। समस्या मेरी तीजे कि मेरा रात में पेट दर्द हो रहा था, रात में मुझे इन्हें भर्ती किया था, तो भर्ती करने के बाद मैं आ गया इसमें रात में भर्ती होने। अब मेरा सोए पर्चा गुम कर दिया इन्हें, मुझे इन्हें 10 बार नीचे बुलाया और कम से कम 4-5 बार ऊपर बुलाया। मैम कह रही मुझे कहीं हमको पता नहीं है, और नीचे वाली कह रही कि हमको ही पता नहीं है पर्चा कहाँ है, तुम्हारा पर्चा का कोई पता नहीं है और इसमें कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपको बताऊँ, किसी लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है इसमें अस्पताल में मेरे। डॉक्टर तो आई नहीं है इधर देखने, डॉक्टर इधर जे रूम में ऊपर तीसरी मंजिल पे देखने ही नहीं आया, बे वाले नहीं आए जो अपन को देख रहे थे। ठीक है, क्या नाम है डॉक्टर का? नाम तो पता नहीं है मुझे, क्या नाम है उनका। मेरे को बीपी हाई हो रहा था बहुत, 215 उन्होंने नापा जब उस दिन भर्ती हुए थे हम परसों, तो 215 था। आपने नापा? नहीं, उन्हीं ने डॉक्टर साहब ने नापा था, तो उन्होंने कि यदि भर्ती कर लो, भर्ती हो जाओ तुम, तो भर्ती हो गए हम परसों। हाँ, फिर उनसे अब कल हम बार बार उनसे बोलते रहे कि तुम ऐसा करो भैया, हमारा बीपी तो बता दो, थोड़ा कम हुआ है कि नहीं हुआ हमको पता तो चले, तो उन्होंने कोई बीपी वीपी नहीं नापा। फिर हम घर से मशीन हमारा लड़का लेके आया, फिर खरीद के उससे चेक करा, उससे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही था, थोड़ा ही बहुत कम था, और न इतना कम हो गया रात में कि बिल्कुल बेहोश हो गई मैं, बिल्कुल लो हो गया। डॉक्टर से भी तो बोला था तुमने? हाँ बोली थी डॉक्टर से, तो डॉक्टर कहने लगे कि अरे चेक करके भी क्या करेंगे, इतनी जल्दी नहीं होता कुछ, इतनी आसानी से थोड़ी कम हो जाएगा बीपी। और अब उन्होंने अब नर्स बोली कि आंटी जी आपने फीस दे के बढ़ती हुई हैं यहाँ पे, कि बिना फीस की हुई हैं। मैंने कहा हम तो सब बिना फीस के हुए हैं, हम झूठ क्यों बोल रहे, हमने नहीं दी फीस, तो तुम ऐसा करो तुम नीचे चले जाओ, तुम्हें देखने वाले डॉक्टर नीचे आएंगे। अभी हॉस्पिटल में समस्या आ रही थी, वो मैडम के पास गए तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा पर्चा ही नहीं है हमारे पास, सुबह डॉक्टर ने लिया था और कह रही पर्चा हमें मिला ही नहीं है। हाँ, तो आपका ट्रीटमेंट नहीं हुआ? नहीं हुआ ट्रीटमेंट, नहीं हुआ आज, आज तीसरा दिन है।